जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, ऋषि कपूर और इरफान खान सर दोनों हमारे बीच नहीं रहे। श्रद्धांजलि देते हुए कुछ लड़की ने कुछ इस तरह के वीडियो बनाए हैं। यदि आप भी चाहें तो इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आप यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो आप कुछ इस तरह से वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन आप जब वीडियो शूट करेंगे तो आपके वीडियो में यहाँ पर स्काई दिखना चाहिए, यानी कि बादल आपको 50 से 60% दिखना चाहिए। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो कुछ इस तरह से शूट क्या हूँ। वीडियो शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइंड मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। और आपके वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है। तो हमारे वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, क्योंकि वीडियो को मैंने टिकटॉक साउंड पे शूट किया था और इस वीडियो को मैंने प्राइवेट में अपलोड कर दिया था। इसके बाद वीडियो को मैंने डाउनलोड किया था। आप भी चाहे तो वीडियो को डायरेक्ट प्राइवेट में अपलोड करने के बाद वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट एस लेयर पे ले लेंगे। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन में कर देना है। आप दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो को साउंड को म्यूट कर देना है। साउंड को म्यूट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर में आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। जो आपने भी लेयर लिए थे उस लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक कलर सेलेक्ट कर लेना है जो स्काई कलर दिख रहा है। इसके बाद डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर लेना है। वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आगे की तरफ लेकर आना, जैसे कि आप हैंड ऊपर की तरफ करते हैं। इस पोजीशन में आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो इमेज का भी लिंक दे चुका हूँ, पहले चिट्ठी का और सेकेंड में आपको SMS का। तो सिंपल कुछ इस तरह से इस पर बड़ा करते हैं और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से हैंड के ऊपर रख देना है। इस इमेज को कहाँ तक रखना है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हम हाथ नीचे तक करते हैं ना, वहीं तक का सीन चाहिए। इस पोजीशन में आपको रहने देना है। इसके बाद इसे हम ट्रिम टू राइट करते हैं, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं और आपको देखना है, फिर से हम हैंड सेकेंड हैंड ऊपर की तरफ करता हूँ। इस पोजीशन में आना है, इसके बाद लेयर पर आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने सेकेंड इमेज का भी लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेयर पे आता हूँ, मीडिया पे आता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करते इसके बाद इमेज को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह से इसे हल्का छोटा करना है और सेकेंड हैंड के ऊपर आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। और इस इमेज को कहाँ तक रखना है वो मैं बता रहा हूँ। अगेन आगे की तरफ लेकर आएंगे, जैसे मैं हाथ नीचे की तरफ करता हूँ तो यहीं तक का आपको सीन चाहिए। क्लिक करते हैं, लास्ट पोजिशन में आते हैं और इसके बाद यहाँ से हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद इसे हम इस क्लिक करते हैं और फाइनली हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। और हमारा वीडियो फाइनली तैयार हो भी चुका है। शेयर पे क्लिक करेंगे, आईडियो फेड आउट ऑफ करेंगे, सॉरी सेटिंग पर क्लिक करना है, आईडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इसके बाद डन करना है, शेयर पर क्लिक करेंगे, HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।